दोस्तों भारत की टीम इंग्लैंड दौरे पर 3 T20 मैच और 3 ODI मैचों के साथ साथ एक रीशेड्यूल्ड टेस्ट मैच भी खेलेगी जो 1 जुलाई से शुरू होने वाली है। जी हां दोस्तों, 2021 में इंडिया इंग्लैंड सीरीज का 5th टेस्ट मैच को कोविड-19 के लिए पोस्टपोन किया गया था और वही टेस्ट मैच अब 2022 में खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम फैंस के लिए बैड न्यूज, प्रैक्टिस मैच के दौरान रोहित शर्मा फिर से कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो क्या रोहित शर्मा टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे? नया कप्तान कौन होने वाला है? भारतीय टीम का टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूँ, तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर देखें। पसंद आया तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक चलेगी ये टेस्ट मैच। अपडेट्स के बारे में बात करें तो रोहित शर्मा कोविड पॉजिटिव थे, लेकिन अभी 2 RT-PCR टेस्ट हुआ है उनका और दोनों में नेगेटिव आए हैं, तो 90% चांसेस है कि टेस्ट मैच में अवेलेबल रहेंगे और कप्तानी भी करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर रोहित शर्मा पूरा फिट नहीं दिखाई देते हैं तो टीम इंडिया को एक कप्तान के साथ साथ एक ओपनर भी ढूंढना पड़ेगा और इसीलिए मयंक अग्रवाल को तुरंत इंग्लैंड बुलाया गया है। तो ओपनर्स के बारे में बात करें तो अगर रोहित शर्मा खेलते हैं तो रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे, और अगर रोहित शर्मा नहीं खेल पाते हैं तब हनुमा बिहारी या फिर केएस भरत बढ़िया चॉइस होने वाला है। अब लोगों को बता दूं, केएस भारत को प्रैक्टिस मैच में ओपनिंग में भेजा गया था, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस उनसे देखने को मिला है, लेकिन केएस भारत अभी भी फर्स्ट क्लास मैचों में ओपन नहीं किया है। तो क्या जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट बॉट जैसे गेंदबाजों को खेल पाएंगे? उससे अच्छा हनुमा बिहारी फिर भी एक्सपीरियंस प्लेयर है, उनको मौका मिल सकता है। उसके बाद मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स के बारे में बात करें तो नंबर 3 पर होंगे चेतेश्वर पुजारा, नंबर 4 पर विराट कोहली, नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 6 पर ऋषभ पंत। जी हाँ दोस्तों, मिडिल ऑर्डर बिल्कुल फिक्स्ड है। टीम इंडिया के पास बढ़िया मिडिल ऑर्डर प्लेयर मौजूद है। प्रैक्टिस मैचों में श्रेयस अय्यर से अच्छा परफॉर्मेंस केएस भारत द्वारा देखने को मिला है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैच है, फाइनल मैच है, बीसीसीआई एक्सपीरियंस श्रेयस अय्यर के साथ ही जाना चाहेगी। उसके बाद ऑलराउंडर्स के बारे में बात करें तो नंबर 7 पर होंगे रविंद्र जडेजा, नंबर 8 पर शार्दुल ठाकुर या फिर रविचंद्रन अश्विन। अगर टीम इंडिया 2 स्पिनर खिलाना चाहती है तो रवि अश्विन को मौका मिलेगा, वरना शार्दुल ठाकुर खेलने वाले हैं। और आखिर में दोस्तों गेंदबाजों के बारे में बात करें तो नंबर 9 पर होंगे मोहम्मद शमी, नंबर 10 पर यशप्रीत बुमराह और नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज। तो ये था टीम इंडिया का 5th टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11। अब दोस्तों लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बात करें तो ये पूरा सीरीज सोनी पिक्चर्स नेटवर्क स्ट्रीम करने वाली है, यानी कि टीवी में आपको मैच सोनी 6, सोनी 6 HD, सोनी 10 3, सोनी 10 3 HD पर देखने को मिलेगा। मोबाइल यूजर सोनी LIV ऐप पर देख पाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इंग्लैंड टीम को हरा पाएगी कि नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।